पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला गरमाता जा रहा है। जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। पीएम भी पंजाब में हुए अपने साथ हादसे को लेकर गुस्से में हैं। बीते दिनों उन्होंने मुख्यमंत्री चन्नी को अधिकारियों के सहारे संदेश भिजवा दिया था कि पीएम जिंदा दिल्ली लौट रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने भी मामले में सख्त रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने चन्नी सरकार को तलब किया है, वहीं पीएम मोदी दिल्ली पहुंचने के बाद भी एक्शन में हैं। अब पीएम ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है और पंजाब में हुए घटना को लेकर राष्ट्रपति को जानकारी दी है। पंजाब के जैसे हालात हैं, माना जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने पर भी राष्ट्रपति विचार कर सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रामनाथ कोविंद पहले ही चिंता व्यक्त कर चुके हैं। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने चीफ जस्टिस के सामने इस मामले को रखते हुए घटना पर रिपोर्ट लेने और पंजाब सरकार को दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की। ऐसे में अब पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी उठने लगी है। वहीं पीएम के राष्ट्रपति से मिलने के बाद इस बात पर चर्चा और तेज हो गई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि चन्नी सरकार राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल रही है। कैप्टन ने यह भी कहा कि अगर हमें अपने राज्य को सुरक्षित रखना है और यहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखना है तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस बैकफुट पर है। पंजाब में हुए इस घटना पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस की आलोचना देख तिलमिलाए पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शर्मनाक बयान दिया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी की सुरक्षा चूक को ड्रामा बताया है। सिद्धू ने कहा कि खाली कुर्सियों की वजह से रैली रद्द की गई है। वहीं चन्नी भी इस मामले को लेकर राग अलाप रहे हैं कि पंजाब सरकार से कोई चूक नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी पंजाब में मोदी के साथ हुए इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। हालांकि पंजाब सरकार ने फिरोजपुर में फंसे प्रधानमंत्री के काफिले को सुरक्षा में चूक नहीं माना है, लेकिन बवाल बढ़ने पर चन्नी सरकार ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल है कि जिस रास्ते से पीएम मोदी जा रहे थे वहां से प्रदर्शनकारियों को क्यों नहीं हटाया गया? प्रदर्शनकारियों को पीएम की रूट के बारे में जानकारी कैसे हुई? ऐसे कई सवाल हैं जिसको लेकर बीजेपी आक्रामक है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।